तो देख सकते हो दोस्तों, आज हमारे पास ये पोको का मोबाइल आए X2। इसमें जो प्रॉब्लम है वो जो हमारे कैमरे है वो कैमरे ऑन नहीं होते। देखो, हमने एक कैमरे का ऐप ओपन किया है पर ब्लैंक आ रहा है डिस्प्ले। ये जो मेरे पास एक दुकानदार भाई ने मोबाइल दिया है, इसने पहले इसको कैमरे भी चेंज करके देखे, और देखो हम इसका जो डाटा है वो भी क्लियर करके मैं एक बार आपको चेक करवा दूँ कि इसके जो कैमरे वो चलते हैं या नहीं। देखो इसका जो डिस्प्ले है वो देखो, ये जो ब्लैंक आ रही है कैमरे, तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हमारा सीपीयू से आता है, क्योंकि जब सीपीयू ड्राइव हो जाता है, लीकेज हो जाता है, तब ये सीपीयू से फॉल्ट हो जाता है। और जो हमारा ये पोको X2 है, कुछ कुछ सेट में जो पोको X2 में टच नहीं जब वर्क होता, कुछ सेट में कैमरे नहीं चलते, कुछ सेट में सिम भी नहीं चलता, तो ये गिरने के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है और सीपीयू ड्राइव होने के वजह से भी ये फॉल्ट हो सकता है। तो आज हम इसका जो कैमरे चलने रहे इसका जो सॉल्यूशन है वो सीपीयू रिबॉल करके ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने वाले। तो हम जो है ये पोको X2 आज सॉल्व करेंगे। तो हम जो ये पोको X2, इसके कैमरे निकाल के साइड में रखेंगे, और जो बोर्ड है उसका जो पीछे वाला शील्ड है वो उतारेंगे। और ये दुकानदार भाई ने हमें हमारे पास ये जो बोर्ड है ये पूरा फ्रेश दिया है, खाली उन्होंने हीट दी है पर कुछ सेट तो ऑन है। तो हम इसका जो शील्ड है ये उतारेंगे। शील्ड उतारने के लिए जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है वो 350 रखेंगे, और जो एयर कंट्रोल है वो 2 पे रखेंगे। और जब ये हमारा शील्ड है, ये शील्ड नीचे शोल्डर के वे पॉइंट जब तक पिघल नहीं जाती तब तक हमें उठाएंगे नहीं। देख सकते हो दोस्तों, हमने ये शील्ड उतारी है। अब हम इसका ग्लो कटिंग करेंगे। ग्लो कटिंग करने के लिए जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है वो 250 रखेंगे, और जो एयर कंट्रोल है वो 2 पे रखेंगे। और देख सकते हो हम नीचे बोर्ड, जब ग्लो कटिंग करते समय नीचे जो बोर्ड है वो स्क्रैच नहीं होना चाहिए, नीचे डैमेज नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप कौन सा भी ग्लो कटिंग करेंगे सीपीयू का, तो हल्के से ऊपर से ग्लो कट करने का। अब हम इसका सीपीयू निकालेंगे। सीपीयू निकालने के लिए जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल है वो 350 रखेंगे, और जो एयर कंट्रोल है वो 2 पे रखेंगे। और देख सकते हो आप, हम सीपीयू जब नीचे का सीपीयू के नीचे का जो बोर्ड का पैड है सीपीयू लगाते वो जब पिघलेगा तब वो सीपीयू आसानी से निकल आएंगे। तो हम इसका सीपीयू पूरा क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम इसका सीपीयू रिवॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो सीपीयू डाल के देखेंगे कि जो
तो देखो दोस्तों, हमने सीपीयू पूरे तरीके से रिबॉल किए हैं। अब हम ये सीपीयू डालेंगे और देखेंगे कि जो हमारा कैमरे का फॉल्ट है वो सॉल्व होता है या नहीं। देखो लोकेशन भी देख सकते हो आप, लोकेशन जो एमएमसी का ऊपर देखो एक कोने में लोकेशन लगा है, वैसा ही सीपीयू का भी उस साइड से। तो आज हम देख सकते हो आप ये सीपीयू लगाएंगे, और जब पूरा हीट जब बैठ जाएगा तब हम इसको खाली थोड़ा ट्वीज़र से थोड़ा सा हिलाएंगे, तब वो अपने जगह पे जब बैठेगा तब अपने जगह पे आ जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने जो एसएमडी का नोज़ली वो चारों साइड से घुमा रहे हैं, घुमाने का है, क्योंकि हमारा जो सीपीयू है वो जल्दी ख़राब हो नहीं होगा। देखो हमारा सीपीयू भी बैठ गया है। तब तक चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करना। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहता हूँ मैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हमने कैमरे वगैरह लगा लिए, सब देखेंगे कि जो हमारा सेटअप पहले तो ऑन होता है या नहीं। देखो दोस्तों, हमारा जो सेट है वो तो ऑन हो गया, देखेंगे कि जो हमारा कैमरा का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। तो देख सकते हो दोस्तों, जो हमारा कैमरे का फॉल्ट था वो सॉल्व हो गया है, दोनों भी कैमरे वर्क हो रहे हैं, फ्रंट और बैक वाला। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो